आप ना मैनी के सामान का ना एक बार दर्शन करा दीजिए ना, ऐसे ही रोज चौचक चमन पहाड़ मार के पानी खिलाया करेंगे आपको। समझो तुम्हारा काम हो ही जाए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे हिंदी वेब सीरीज के बारे में जिनमें कई सारे इंटीमेट सीन हैं, यानी कि हमें इन वेब सीरीज में कई सारे गर्मागर्म सीन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, इन्हें आप सिर्फ अकेले में ही देखें, क्योंकि सबके सामने देखने पर आपकी कुटाई भी हो सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इन वेब सीरीज के बारे में। कातिल इस औरत से प्यार करता था, मारने के बाद जलाने की कोशिश की गई, पर तुम्हें ये सब पहले से मालूम था। टेस्ट ले रही है मेरा, बुलेट कौन था? बुलेट नहीं थी, तुम्हारा कातिल लेफ्ट हैंडेड है। इंटरेस्टिंग। नंबर वन, डार्क डिजायर। कहानी की शुरुआत होती है एक शादीशुदा महिला से जो कि एक स्ट्रेंजर से मिलती है और उन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। लेकिन ये प्यार बाद में क्या रूप लेती है, यही दिखाई जाएगी इस कंप्लीट सीरीज में। वेब सीरीज रिलीज की गई है 2020 में और इसे IMDB रेटिंग देती है 10 में 6.4 की। वेब सीरीज में जिन्हें भी हॉट सीन देखना बहुत ज्यादा पसंद है उनके लिए ये बेस्ट वेब सीरीज है। नंबर टू पर है ग्रहण। वेब सीरीज की स्टोरी एक्शन ड्रामा एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर आधारित है। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो दोस्तों, बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि हमारे अतीत में किए गए कुछ हादसे हमारे वर्तमान को खराब कर देते हैं। कुछ ऐसी ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है एक कंप्लीट वेब सीरीज। वेब सीरीज की स्टोरी एक्चुअली में बेस्ट है 1984 बॉम्बिंग केस के ऊपर, और इस बॉम्बिंग के पीछे किनका हाथ था, असल में उनका क्या मोटिव था, यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की जाएगी इस कंप्लीट वेब सीरीज में। वेब सीरीज रिलीज की गई है हॉट स्टार पर और इसे IMDB रेटिंग देती है 10 में 7.4 की। आप ये फोटो में क्यों हो? आपकी पका है? कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। जिस इंसान को मैं जानती हूँ पूरा शहर उन्हें किसी और तरह जानता है। संचौरासी छप चुका है बोकारो की छाती पर। आपको कुछ ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। जो कुछ हुआ है अगर ये जानकर किसी को असर नहीं होता तो शायद कुछ प्रॉब्लम है। मैं पीछे नहीं हट सकती। नंबर तीन पर है मनी हेस्ट। वेब सीरीज की स्टोरी बेस्ट है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की सीजन वन रिलीज की गई थी 2017 में, लेकिन इसके सभी पार्ट्स स्पेनिश और इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल थी। लेकिन अब इस वेब सीरीज को आप हिंदी में भी देख सकते हैं, जिसे डब की गई है 2K21 में। वेब सीरीज की स्टोरी एक्चुअल में शुरू होती है एक बैंक रॉबरी से, कि किस तरह कुछ मास्टरमाइंड बैंक में चोरी करते हैं और वहां से फरार भी जाते हैं। वेब सीरीज की सीजन वन रिलीज की गई थी 2017 में और इसे IMDB रेटिंग देती है 10 में 8.3 की, जिसे आप डायरेक्टली नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। उन्हें खुफिया जगह का पता चल गया है। हो सकता है कि ये मैं आखिरी बार तुमसे बात कर रहा हूँ। पकड़ लिया उन्हें। कैप्टन, मैं आर्मी को अंदर भेज रहा हूँ। अब या तो वो जीतेंगे या फिर मरेंगे। उसे बाय कह दे। से फरार भी हो जाते हैं। वेब सीरीज की सीजन वन रिलीज की गई थी 2017 में और इसे IMDB रेटिंग देती है 10 में 8.3 की, जिसे आप डायरेक्टली नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।